सलाम नमस्ते हेलो एंड वेलकम टू दस का दम। आइए आपको आज के दो कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ बता दूं। हमारे दो कंटेस्टेंट्स जो आने वाले थे वो थे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, लेकिन अचानक एक फोन आया सी कंपनी से और उन्होंने कहा कि सोन बे सलमान, ये हमारे दो कंटेस्टेंट्स आएंगे तेरे पास। कैसे कौन है भाई ये सर? जब वो आएंगे तब तेरे को पता चलेगा कौन आ रहा है। तो मैं बुलाता हूं हमारे दो कंटेस्टेंट में से पहले वाले को। जो फोन हमको आया सी कंपनी से, ये कौन सी कंपनी है? एक्चुअली ये आम लोगों की कंपनी है, आम लोगों ने बनाई है आम लोगों के लिए। एक्चुअली तीन मध्यवर्गीय मिडिल क्लास जो कहते हैं ना, वैसे लोग हैं जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और उनकी अपनी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो एक उपाय रचते हैं, एक प्रैंक प्ले करते हैं जी, और उस प्रैंक का नाम है सी कंपनी। और वो सी कंपनी क्या से क्या बन जाती है, उन्हें रॉबिन हुड बना देती है। सी कंपनी बेसिकली एक्चुअली डी के कॉपीराइट्स तो किसी और के पास है ना। अच्छा हाँ, तो कंपनी में क्या क्या है? कंपनी क्या है? कंपनी बस लिखते वक्त के, लेकिन वैसे कंपनी। ओ क्योंकि मैं के को जानता हूँ। के ओ करीना कपूर? नहीं नहीं, आई गॉट इट, आई गॉट इट। किरण खेर, किरण खेर, किरण खेर जी। अच्छा ये दूसरे कौन से है, ये कौन आने वाले हैं हमारे साथ खेलने के लिए? बाप रे बाप, मैं भूल गया कौन आने वाला है यार। बाप रे बाप, ओ अच्छा, ओ मेरे बाप पहले आप। अरे खजाने मिले, दिन के बहाने मिले मन में। थैंक यू जीतू जी, आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले शुरू करता हूँ जी। यू आर ए ग्रेट एक्टर सर, यू आर ए वेरी हैंडसम मैन एंड यू गॉट ए ग्रेट बॉडी। सी कंपनी को फकर है आप पर, एंड यू आर होस्टिंग अ ग्रेटेस्ट शो, अनबिलीवेबल, टेरिफिक। थैंक यू सर। इतने सारे हुनर एक ही आदमी में बहुत रेयरली पाए जाते हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट? आज बता दें सर, अगर मैं आपको सीक्रेट्स मेरे बता दूं तो आधी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा सर। नहीं, कंट्री को तो हम संभाल लेंगे जी, पहले आपको संभालते हैं। तो हमें यह बताइए, हम इनसे पूछते हैं आप शादी कब कर रहे हो? बड़े के कर रहे थे, के वो के क्या था? करीना कपूर, के मैनन और किरण खेर सर। अच्छा नहीं,
जो काम का केक नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर दैट एनवेलप टू कम। दो आगे दो केक हैं सर, वो केक की बात। देखो जब तक ताकत है वो गिफ्ट विफ्ट देने की जल्दी कर लो, नहीं तो ऐसा ना हो। एंड सर, so I'm waiting sir, for that invitation. 100% sir, the first invitation is going to come to you sir. Great. But 3:30 in the morning sir. Sir, आप दोनों का स्वागत है दस का दम में। I hope कि आप ढेर सारे पैसे जीते, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि आप जिस भी चैरिटी में देंगे वो एक बहुत ही नोबल चैरिटी होगी और बहुत ही नोबल कॉज ली जाएगा। आपने कुछ डिसाइड किया है? जी, हमने डिसाइड किया है कि हम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स को जो भी हम जीते हम उन्हें देना चाहेंगे। पीटा, क्योंकि पीटा, अच्छा। या क्योंकि हम एनिमल लवर्स हैं और इसलिए आई थिंक नथिंग बेटर देन पीटा। तालियां। तो आइए खेलते हैं नॉकआउट राउंड जीतू जी और तुषार के साथ। ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो हमने एक नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा हमने हमारे देश की आवाम से पूछे और उसके जवाब हमारे इस एलजी में फीड हुए हैं। लेट्स प्ले दस का दम। सर आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष एक ऐसा रिमोट कंट्रोल चाहेंगे जिससे महिलाओं की वॉल्यूम बंद हो जाए? देखिए ऐसा होता है कि शादी के बाद इंटरवल तक तो आदमी का पलड़ा भारी रहता है, इंटरवल के बाद औरत भारी हो जाती है। दो आदमी रहेंगे तो बहस होगी, नोक झोंक होगी, तब सोचता है कि यार इसकी मुंह कैसे बंद करूं। बट जब एकांत में अकेले बैठ के जब सोचता है उसको अपनी बीवी की आवाज़ हरदम अच्छी लगती है। बीवी को हस्बैंड की, हस्बैंड को वाइफ की। दे कैन नॉट डू विदाउट ईच अदर इफ इट इज़ अ गुड मैरिज। तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वॉन्ट दिस रिमोट कंट्रोल, दे लाइक टू हेयर इट। बोले ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप तो शादी की बात कर रहे हैं सर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर ये होता है कि 3-4 साल के बाद वो गर्लफ्रेंड घायल की सनी देओल और एंटर ड्रैगन की ब्रूस ली बन जाती है सर। हाँ, मैं तो आई थिंक उन लोगों से बहुत सहमत हूँ क्योंकि मुझे इस रिमोट कंट्रोल की कहाँ भी मिलेगा मैं ले लूँगा। नहीं, आदमी में वो कैपेसिटी है कि जब वो चाहे अपना यहाँ से रिमोट बंद कर लेता है कि जो आवाज़ आ रही है यहाँ से आ रही है यहाँ से जा रही है, अपना काम करता रहेगा, आवाज़ चलती रहेगी, मतलब रेडियो जैसे चलता रहता है। सर आपके पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओके तुषार 42%, जीतू जी 29%। तो आइए देखते हैं कि देश की आवाम क्या कहती है। सर यहाँ पे जितने भी पोल करते हैं वोट करते हैं बहुत सही सही बोलते हैं एकदम। कांग्रेचुलेशंस। आई टोल्ड यू। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं हर चीज मैचिंग पहनना पसंद करती हैं? मुझे मेरा मैचिंग मालूम है, जब मैं व्हाइट पैंट पहनता था तो व्हाइट जूते भी पहनता था। मैंने अपने व्हाइट जूतों को कभी नहीं छोड़ा। आज मैं काले पैंट पहनी इसलिए, पर जनरली आई यूज टू वेयर व्हाइट पैंट एंड व्हाइट शूज। ये नहीं कि काली पैंट के साथ व्हाइट जूते कभी नहीं पहने। एंड यू लुक आल्सो क्लीन व्हेन यू वेयर व्हाइट, यू लुक आल्सो क्लीन कि आदमी नहा धो के फ्रेश एकदम चकाचक व्हाइट कपड़े पहन के बाहर निकला है। वो कहाँ इस कंट्री में, कितने लोग कर सकते हैं? आज तो वैसे ही जीन्स और टी शर्ट आने से सब लॉन्ड्री हो गई। सर मैं महीने महीने नहीं धोता जीन्स। जीन्स धोकर नहीं करेगा क्या? अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं महीने महीने मतलब के इतने ऑफ। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब सर। अरे ये बहुत फास्ट चल रहे हैं आप। अरे बाप रे बाप। तुषार 44, जीतू जी 45, ये क्या हो रहा है सर? सर क्या एकता है आप दोनों में सर।
आए देखते हैं तुषार जीतते हैं या जीतू जी। जीत गए सर। हाँ स्कोर है वन ऑल। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पिता अपने बच्चों का जन्मदिन याद नहीं रख पाते? मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा। मुझे आपको इनका जन्मदिन याद है? मेरे को इसका ना जन्मदिन मतलब प्रिंटेड है एकदम। आदमी के लिए कोई भी आदमी हो अपनी वाइफ का जन्मदिन भूल सकता है, बच्चों का जन्मदिन कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगेन यू सी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का जन्मदिन याद करते हैं कि अरे उस टाइम पे ये हुआ था, बाढ़ आई थी तो उसके एक दिन बाद में पैदा हुआ था। जनरली मेरे को लगता है पेरेंट्स अपने बच्चों के जन्मदिन को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत महत्व देते हैं, एंड दे लव टू चेरिश दैट मोमेंट। सर आपके पास 10 सेकेंड है सर, आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। हम लोग बहुत आसपास के तो आए देखें कि हमारी देश की आवाम क्या सोचती है। जीतू जी तुमने 2, तुषार 1। तो स्कोर 2-1 है, जीतू जी 2 पे है, तुषार 1 पर है। देखते हैं कि मनी राउंड कौन खेलता है हमारे साथ 10 का दम है, फादर या सन। अगर जीतू जी ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो जीतू जी खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। सो तुषार अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों को आज की हीरोइन के बजाय पुरानी हीरोइन ज्यादा पसंद है? सर आपको क्या लगता है? सर हर एक को ये लगता है कि पुराने जमाने की हीरोइंस लाइक मीना कुमारी, मधुबाला, आज भी तारीफ होती है ब्यूटी की तो मधुबाला का नाम आता है जी। बट इट वॉज समथिंग सो नाइस टू वर्क विद देम। एक आजकल मतलब मुझे जो ऐसा लगता है, दे लुक ऑल ब्यूटिफुल, दे लुक ऑल ग्रेट फिगर्स, हॉट बेब्स, बट दे ऑल लुक सेम। फर्क कितना था, देखिए नूतन, मधुबाला, मीना कुमारी, साधना, चार डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसे आप चार ग्रुप बना के दिखाइए, आज की जनरेशन को वो डिफरेंस डेफिनेटली नजर आ जाएगा। आई डोंट नो बट आई थिंक मुझे तो कैटरीना की बहुत अच्छी लगती है, बाकियों का नहीं। के सर प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत। शर्माए क्यों? मैंने कैटरीना कैफ का नाम लिया, आप शर्माए क्यों? सर बस कुछ आपका चल रहा है क्या? हाँ सर। जी सर थोड़ा आई थिंक आज के जो बहुत शर्मा के बोला है आई चेंज द टॉपिक डोंट वरी। आज की यूथ जो है ना वो दे डोंट इवन नो कि हु इज मीना कुमारी। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं उनको पता भी नहीं है कि देयर यूज्ड टू बी अ मीना कुमारी। अच्छा गुजर गया ना तो कैसे प्रेफर करेंगे फिर अगर मालूम ही नहीं? अब ये सवाल किसको किया? मेरे को किया तो मैं ये जवाब दूंगा, आपको किया तो आप अपना जवाब दोगे। इस तरह ऑडियंस में भी डिवीजन होगा इस सवाल का। जो हमारी पुरानी हीरोइन है, व्हाट दे लुकिंग राइट नाउ, दे स्टिल लुक लुक एट श्रीदेवी, शी लुक्स सो गुड। लुक एट रेखा जी, रेखा, श्रीदेवी, जयप्रदा, हेमा, हेमा जी, यस वेरी नाइस, दे स्टिल हैव दैट एलिगेंस, दे स्टिल हैव दैट ब्यूटी। आप तो आगे बढ़ गए, मैं उधर ही रह गया। 10 सेकंड है सर आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो
तुषार 67, जीतू जी 24%. प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों को आज की हीरोइन के बजाय पुरानी हीरोइन ज्यादा पसंद है. आए देखते हैं. तुषार बाउंस बैक. सर स्कोर है 2-2. अब ये प्रश्न होगा डिसाइडर प्रश्न. प्रश्न ये है सर कि तो इज्जत से हारूंगा 2-2 के बाद. कितने प्रतिशत भारतीयों को गॉगल्स पहने हुए व्यक्ति से बात करते वक्त अजीब लगता है? उसके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते, उसके आंखों में क्या चल रहा है उसको पता नहीं लगता है. हाँ. इसलिए अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. जो मुझे आदत है मैं क्या करूं. अभी किसी को लगेगा मैं क्वेश्चन के लिए प्लान होके आया था, पर जनरली आई कीप माई ग्लासेस बिकॉज दीज आर माई नंबर्ड ग्लासेस. तो जब मैं दोपहर को निकलता हूँ घर से तो यही चश्मा पहनता हूँ. भूल जाता हूँ कि मेरे पास दूसरे भी हैं, तो अब मैं भूलने को मज़ा भी आता है बिकॉज गॉगल पहनने का बप्पी ले रही. क्योंकि मेरे आँखों के नीचे जितनी झुरी हैं इसे छुपाता हूँ मैं. सर ऑकवर्डनेस लगती है क्योंकि यू डोंट नो वेदर पर्सन इज लुकिंग. बट वन थिंग डेफिनेटली, जनरली गुड लुकिंग तो गुड लुकिंग आदमी होता है, बट चश्मा पहनने से अगर करेक्ट चश्मा पहना हो तो निखार आता है. इट एड्स टू योर पर्सनैलिटी. आई ऑलवेज फील अ प्रॉपर गॉगल्स कलर ग्लासेस उससे आदमी डैशिंग जरूर लगता है. इसलिए है यार हम लड़के लोग ये पहनते हैं. बट ये बोलते हैं ना कि जब तक आदमी आंखों में देख के बात नहीं करे वो एक कोई फंडा है उसके ऊपर. वो तो कोई करता नहीं होगा कि बहुत बड़ी बिजनेस की डील हो रही है कि यूपीए गवर्नमेंट गिरेगी कि नहीं गिरेगी और एनडीए जीतेगी कि नहीं जीतेगी. वहाँ थोड़ी कोई गॉगल पहन के बात करेगा. सर कंजंक्टिवाइटिस ही हो शायद. ये मुझे अगर सलमान खान कहे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ मुझे 5 फिल्मों में आपको साइन करना है, मैं क्या चश्मा क्या मैं तो शर्ट वर्ट उतार के बैठ जाऊँ. अब उतारूँ बता देना. जब कोई गुजर जाता है आजकल हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो सब शलवार कमीज और गॉगल्स पहन के निकलते हैं. आई शुड बी सेइंग बट कभी कभी दे वांट टू हाइड द एक्सप्रेशन कि उनको अगर बुरा नहीं लग रहा हो और कुछ और ही लग रहा हो वो नजर नहीं आ जाए. नहीं नहीं, वो जनरली वो इम्प्रेशन नहीं होता. इम्प्रेशन होता क्या हम चौथे में भी कितने हैंडसम दिख रहे हैं. तो सर 10 सेकेंड हैं आपके पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब. सर व्हाट इज दिस. ये 25 पे है सर और आप 28 पे. मैं 3 आगे चला गया. आए देखें कि कितनों को गॉगल्स पहने हुए व्यक्ति से बात करते हुए अजीब लगता है. तो जीतू सर आप खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम. एंड तुषार बड़ी यू विल हैव टू कम एंड सिट डाउन देयर. आई थिंक दैट तुषार सॉरी यार. इट्स ओके यू डिजर्वड इट. जीतू सर आप जीत गए ये नॉकआउट राउंड. आप खेल रहे हैं मेरे साथ 10 का दम. आप 5 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से. आपके साथ हमारे स्टूडियो की ऑडियंस है जो मुंबई की ऑडियंस है और फिर तुषार जिन्हें आप अभी हरा चुके हैं वो आपको हेल्प करेंगे.
सी कंपनी आपके साथ है। अच्छा तुषार, ये बेसिकली ये सी कंपनी है क्या? सी कंपनी इज ये तीन जो है बंदे जी, ये एक गैंग बनाते हैं। एंड देयर इज आल्सो मिथुनदा इन द फिल्म। मिथुनदा आल्सो इन द फिल्म। उनका क्या किरदार है? ही इज प्लेइंग द डी गैंग, दत्तू भाई। और पिक्चर में किसी के फैन है वो? हाँ, वो सोप्स के बहुत बड़े फैन है, सीरियल्स के। किसके सीरियल्स के फैन है? एकता कपूर के सीरियल्स के। इट्स अ कॉमेडी ऑब्वियसली। इट्स अ फन कॉमेडी। जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफी फनी फिल्म होगी। प्लीज जाए और देखें सी कंपनी को। वेलकम टू करण बनाए करोड़पति। मेरे तो सपने में भी पैसे कमाने के वांदे हैं। आपने तो मुझे जमान दी थी कि बैंडेज के पीछे मेरा ही चेहरा होगा। फोन पे ही तो धमकाना है। कौन है सी कंपनी? आपका पहला प्रश्न होगा 10,000 रुपयों के लिए। लेकिन सर, वो 10,000 रुपये से मुझे एक चीज़ याद आ रही, जो कि आपने अर्लियर कहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो उस वक्त अगर आपको ऐसा शो मिल जाता, आप क्या करते? मेरी लॉटरी लग जाती। आपको बताऊं, मैंने पहली फिल्म की थी शांताराम जी की, जिसका नाम था सहरा जी। उसमें मेरी तनख्वाह थी 150 रुपया महीना। 150 रुपया महीना में मैंने क्या क्या किया? रोज़ जाता था स्टूडियो, जितने जूनियर आर्टिस्ट का काम था वो भी करता था। और एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे शांताराम जी को बहुत खुश करना था, तो हम बीकानेर में शूटिंग कर रहे थे, तो ऊँट पे कूदने का शॉट था। व्हेन आई वाज यंग, जब आप यंग होता है एंड यू वांट टू सर्वाइव, और चमचागिरी की लिमिट पार करके ऊपर जाना है, तो शांताराम जी को डुप्लीकेट चाहिए था संध्या जी का, जो ऊँट पे कूदे। अभी वो ढूंढ रहे हैं, वहाँ मिल नहीं रहा है, तो मैं राजी सब लगा वगा के तैयार हो गया, एंड आई जंप्ड ऑन द कैमल। सो दैट टाइम 150 रुपये वॉज इम्पॉर्टेंट नहीं था, इम्पॉर्टेंट ये था कि हाउ दिस मैन इज गोइंग टू बी, दैट्स व्हाई दैट नेक्स्ट स्टेप टुक प्लेस जी। पर मजे की बात यह कि जब मुझे गीत गाया पत्थरों ने, जिसमें मैं हीरो बना, उसमें मेरी पगार 100 रुपये हो गई। ये क्यों? ये मतलब मुझे ब्रेक दे रहे हैं जी, दैट वॉज हिज वे ऑफ डूइंग। अच्छा, मेरे फादर ने तो मुझे जन्म दिया, पर जितेंद्र को जन्म देने वाले शांताराम जी हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट, आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जी सर, जो 10,000 रुपये का इनाम जी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ से शुरुआत की है जी। बट एक बात इसमें है कि उस जमाने के 100 रुपये में और आज के 100 रुपये में बहुत फर्क हुआ। आइए लेट्स प्ले दस का दम। सर आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए, प्रतिशत की खिड़की है 40%। अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने पर कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाम में परिवर्तन करेंगे? काफी करेंगे ना? बट कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं। बट जो बिलीव नहीं करते हैं बोलते हैं, पर दिली दिल में डर के मारे बिलीव करते हैं। हाँ, अगर उनको बोला जाए तो वो करेंगे, नॉट नेसेसरी दे'ल गो स्पेशली, पर अगर उनको बोला जाए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल ट्राई इट। या तो क्या लगता है आपको, 30 to 70? पर आप शहरों में तो देखते हो, गांव में तो बहुत होगा आपके। और आज के लिए बहुत हो गया है। सी कंपनी का क्या है? यू आल्सो पुट अनदर एस और या तुषार इज टू एसेस नाउ। टू एसेस नाउ। एकता इज द सेम। एकता सेम। सी कंपनी हैज टू केस। हां, सी कंपनी हैज टू केस। सर एक अनुमान लगाइए सर, फिर मैं ऑडियंस प्लीज वोट कीजिए। ओके, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजिस्ट के कहने पर कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाम में परिवर्तन करेंगे? आपने लगाया 33 to 73। लेट मी हैव द ऑडियंस। आपको ऑडियंस का एक करें। आइए देखते हैं हमारी ऑडियंस की सोच क्या है। सर 30 से लेके 50 तक, लेकिन 30 से 50 रफली। नो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिटी। नहीं, 30 to 50 तो गांव में नाम नहीं चेंज करते। नहीं बट सी, हाउ डू यू साइन लाइक दिस? आई थिंक इट्स लिटिल, नहीं, थोड़ा ऊपर ही रहो, थोड़ा ऊपर ही रहो, मुझे लगता है। सेम, आई थिंक यू आर करेक्ट, आई फील
मोस्ट ऑफ द पीपल विल एंड दैट्स व्हाट मुझे यहाँ देख कर भी लग रहा है. एनीवे जो आपको लगे प्लीज करना, मेरे को ब्लेम मत करना बात. आपने लगाया 26 से लेके 66%. 10,000 रुपए का सवाल है. अभी तो इतना मायने नहीं रखता लेकिन नहीं, सर, गीत गाए पुत्रों ने याद रखता हूं. नहीं लेकिन अभी नहीं रखता सर, लेकिन प्रॉब्लम ये कि सर अगर ये नहीं जीत पाएंगे तो सर आगे नहीं जा पाएंगे. जा पाएंगे करेक्ट. तो बहुत मायने रखता है सर. आप हकाल दोगे अंक? अरे नहीं सर. लॉक इट. आपकी मर्जी. छाप दिया जीतू सर ने. आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाम में परिवर्तन करेंगे. कांग्रेचुलेशन सर, 10,000 रुपए जीत गए. मुझे नहीं मालूम था 10,000 जीतने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती. इतना टेंशन आता. दिस वाज अ क्लोज वन. आई होप वी इंप्रूव. और ये रहा दूसरा प्रश्न. 1,00,000 रुपयों के लिए अब खिड़की होगी 30% जीत. जी प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय सास चाहेंगी कि उनकी बहुएं टीवी सीरियल में दिखाई जाने वाली आदर्श बहुएं जैसी हो? आपकी टीवी सीरियल में आदर्श बहुएं दिखाई देती हैं? देखिए, सास बहू के जितने शो हैं बहुत पॉपुलर हैं जी. पॉपुलर इसलिए कि लोग पसंद करते हैं, देखते हैं. देखते वही चीज़ है जो उनको अच्छा लगता, अच्छा लगता है. अच्छा वही लगता है कि जो वो अपने दिमाग में सोचते हैं जी. इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके दिमाग की सोच है और वो जो देख रहे हैं वो सिंक हो रहा है जी. इसलिए सीरियल भी पॉपुलर है और ऑडियंस भी हैप्पी है जी. तो मुझे लगता है जो आपका सवाल है वो सही है. तो सवाल का जवाब यही है कि वो चाहती हैं कि उनकी बहुएँ जो सीरियल में दिखती हैं वैसी हो. एक अनुमान लगाइए सर, आपके पास 30% की खिड़की है. ऑडियंस प्लीज. आई थिंक क्या लगता है? 70. या मुझे भी वही लगा. Okay. 42, 72%. आपको ऐसा लगता है कि पीपल एक्चुअली? मैं तो और आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि अगर आप रूरल एरियाज के अंदर ऑडियंस का भी ओपिनियन ले लेते हैं. एक ऑडियंस का पोल देखने आइए. एक ऑडियंस का पोल देखते हैं. 40 से लेके 60 तक ऊंची चोटी है. 50 से लेके 60 लेकिन स्टार्ट होती है 40 से. क्योंकि अगर मदर इन लॉज हैं तो एक सर्टन एज ग्रुप के होंगे. यंगस्टर्स की बात ही कर रहे हैं हम लोग. जो आज के यंगस्टर्स है वो माइट नॉट एग्री विद टीवी सीरियल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट मदर्स इन लॉ. एंड अगर पूरे देश को देखा जाए तो मोस्ट ऑफ देम वॉच द टीवी सीरियल्स. वी आर लुकिंग एट एन एज ग्रुप ओनली विच इज. तुषार ये बहुत टिपिकल है. ये सदियों से चला आया और सदियों तक चलता रहेगा ऐसे ही. सास और बहू में बहुत एकता, बहुत मित्रता होना बहुत मुश्किल है. पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल, एक आइडियलिस्ट लेवल मिल जाए, इट्स अ नथिंग लाइक इट. दे ऑल ड्रीम फॉर दैट. ड्रीम या व्हाटएवर. बस गांव में रूरल एरियाज में जो औरतें जाती हैं लकड़ी काटने, काम करने, वो उनके पास टीवी वगैरह नहीं होते. मदर इंडिया पिक्चर देखिए ना जी. मदर इंडिया पिक्चर में नरगिस जी और राजकुमार जी के बच्चे हो जाते हैं फिर भी वो अपनी सास के सामने घूंघट लेके चलती है. सास के सामने जी. और जो सास का हुक्म है सर आंखों पे. बट शी इज आइडियल. सास को पसंद है बट फिर भी उसको काबू में रखती है. दैट मीन दैट काइंड ऑफ ए रूरल एटमोसफियर इज द. रूरल में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि बहू खेतों में काम भी करेगी, घर में भी काम करेगी, हस्बैंड को भी ध्यान रखेंगी, बच्चों का भी ध्यान रखेंगी. इंडियन डॉटर इन लॉ इज पार एक्सलेंस. उसका टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा है. दो किस्म की मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ लोगों को पसंद नहीं. एक ललिता पवार और एक नादिरा जी. सो दे वांट अ गुड मदर इन लॉ लाइक सुलोचना जी जी या दुर्गा खोटे जी जी. एंड गुड डॉटर इन लॉ लाइक मीना कुमारी जी, नूतन. आई थिंक थोड़ा टाइम चेंज हो गया. Oh.
You know what? Papa. You know, Papa. If you 37 se leke 67. What do you think, Tushar? You know what? There are a lot of people who are very, very big fans of these TV serials and who think like them. And there are a lot of people who ideal bahu chahte to hain, lekin jab unka kaha jata ki TV serials ki tarah, to unhe lagta ki nahi aise nahi, ideal chahiye lekin aise nahi. I think I wish I could use that phone a friend and phone ek time find out. Sir, wish I could be a friend, sir. Kya karna chahenge, sir? आपकी मजा छाप दिया 37 से लेके 67% पर. तो आए देखें कि कितनी प्रतिशत भारतीय सासे टीवी सीरियल जैसे बहू घर में लाना पसंद करेंगे. आप जीत गए सर. कांग्रेचुलेशन सर. 1,00,000 रुपए जीत गए. सर, आपका अगला प्रश्न होगा 10,00,000 रुपयों के लिए. और जो रेंज होगी, जो खिड़की होगी, वो 20% की होगी. सर, प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय इस कहावत को मानते हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया. देखिए, द ट्रूथ इज, कितना भी तकलीफ हो बट ये हकीकत है. मेरे हिसाब से बहुत लोग ये बात को मानते हैं. सर, ये महमूद भाईजान का गाना भी तो था ना. हाँ. ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, बट द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया. मतलब रुपए की तुलना अपने भाई से, अपने बच्चे से ज़्यादा की जा रही है. कितना भी हम इस सच्चाई से दूर भागना चाहें, नहीं भाग सकते. मेरे हिसाब से, व्हाट आई हैव सीन, वेरी फ्यू पीपल हैव सीन लाइक दैट, एंड वन इज़ यू. यू आर फैबुलस ब्रदर, यू आर फैबुलस सन, योर फादर कैन बी वेरी प्राउड. यू आर द वन एग्जाम्पल हू सेज सबसे बड़ा रुपया नहीं है. भैया और फादर, फैमिली इज फर्स्ट, ब्लड इज फर्स्ट, ये हकीकत है जी फ्रॉम यू. बट इट इज नॉट यूनिवर्सल. इट इज वेरी सैड बट डेट इज द ट्रूथ. लोग आजकल देख रहे हैं ना, भाई भाई के पीछे कैसे लगा हुआ है. तो पैसे की कमी नहीं है. सी, मनी इज नॉट हैप्पीनेस. अगर पैसा हैप्पीनेस होता तो सब रिच पीपल हैप्पी हो जाते. जी, ऐसा नहीं है. हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स. हैप्पीनेस is what you have derived from what you are doing. Puri success ko aapne apni family ko di hai. Aapki wealth aapki family ko lagta hai unki hai. I also thought like that. But ye ek alag kick hai. More than money, more than anything else. But ye haqeeqat nahi hai. It is real. Sir, ek anumaan lagaiye sir. Aap zara vote kijiye. Please. Shukriya. Boliye. Upar. They believe in the saying. I think a lot of people believe in the saying. A lot of people, but how many people will say that? ठीक है. Audience poll लेके देखते हैं. Audience का poll देखते हैं. 40 से लेके 60 पे सर. I think थोड़ा lower करना चाहिए. कम करो. I feel. ओके, आई विल गो विद द ऑडियंस. 10,00,000 रुपए का प्रश्न है सर. ठीक है, ये सही पड़ गया. डन. दस लाख रुपए का प्रश्न है सर. ये जवाब गलत निकला तो सर 10,000 रुपए. तो अब देखते हैं कि आप 10,00,000 रुपए जीतते हैं या 10,000 रुपए जीतते हैं.
emotional song. नीचे आए बैठे हुए ना? Yeah. See the cause जिसके लिए मैं ये जीतना चाह रहा था, ये जो पेटा का cause है, it's very dear to me. I'm so happy for the cause. बड़े relax. C company का एक गाना याद आ रहा है. कौन सा? खोका. खोका जब हाथ आएगा. Because that is the next step for us, no? 1 crore is khoka in our language. Yeah, yeah, yeah. In our language. Yeah, yeah, yeah. लाख रुपए जीत गए बिंगो. अब आप दो कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से. आपका अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए और खिड़की होगी 10% की. प्रश्न ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो किसी महिला के पीछे पड़े हैं ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है. हमारी हिंदी फिल्मों में हीरो कभी गलत काम नहीं करता, वो बेचारा हमेशा फंस जाता है. एक बीवी घर में रखता है, दूसरी से रोमांस करता है, दोनों बीवियां रखता है और ऑडियंस एक्सेप्ट भी करती है. मतलब बेचारा फंस गया इसलिए ऐसा कर रहा है. रियल लाइफ में हो तो जूते पड़ेंगे. अभी मेरी एक फिल्म थी मांग भरो सजना, एक के मांग भर के बच्चा पैदा किया, दूसरी के यहाँ भी बच्चा पैदा किया, रेखा और मौसमी दोनों के साथ. सो दैट इज एक्सेप्टेड फैक्ट. पर ये मेरे हिसाब से ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में बहुत टफ है. मैं इतना कहूँगा, मेरा कॉज जो है पेटा का, एनिमल्स का कॉज, जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपये मिले हैं, मैं कोई चांस नहीं लेने वाला. नो चांस. मुझे माफ करो, मैं खुश हूँ, मैं लालची नहीं हूँ. आई एम मोर देन हैप्पी. क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन मेन हैव सेड. तो इट्स नॉट दैट हार्ड. कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि वो किसी महिला के पीछे पड़े हैं ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है. शादीशुदा है उसके बावजूद पीछे बताएंगे नहीं, कभी नहीं बताएंगे सर. वो मेरे को ऐसा बताएंगे, तू ही तू है. ऐसा नहीं करते सर. मेबी इट्स अ वेरी लो परसेंटेज. हां पर जो भी है मैं चांस नहीं लूंगा. बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे परसेंटेज मालूम है. वो गेम खेलेंगे वो चेक अलग रख देते. तो आप सब क्विट करना चाहेंगे? प्ले चेक लेने के बाद प्ले करेंगे ना मजे के लिए. लेट अस एंजॉय चेक एंड प्ले. इसी तरह से एक घर में बीवी एक बाहर वाली बीवी, लेट अस एंजॉय बोथ. तो आप क्विट करना चाहते हैं सर? हाँ बिल्कुल. क्विट कर दिया जीतू जी ने. तालियां. 10 लाख रुपए जीत चुके हैं. अब जीतू जी अनुमान लगाएंगे और देखते हैं कि कितने दूर थे या कितने पास थे 1 करोड़ रुपयों से. सब प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष ने कहा कि वो किसी महिला के पीछे पड़े हैं ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है. मुझे पहले बताओ सलमान, आप बताओगे?
सर मर्द ज्यादा करके शादीशुदा औरतों के पीछे नहीं भागते सर। ये औरत अगर आप कुंवारी लड़की के साथ जा रहे हो जी, दूसरी कुंवारी लड़की को बताओगे कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ? सर टेंशन चल रही है, कोई नहीं बताएगा सर। डिपेंड करता है सर। सर आप ये फाइनल है आपका 7-17? यस। तो आइए सर देखते हैं कि आप 1 करोड़ से कितने पास थे या कितने दूर। I'm very happy I'm wrong. You know what I'm saying? It would have been, I would have made you go, if you were playing, I would have made you go higher. Achha, jab result aa gaya to bol raha hai. Nahin, main bola sir. 70%. Aur ye, sir, kya ho gaya sir, mardon ko? Ki dusron ki biwiyon ke piche pade sir, hamare mard. Aur batayenge. Haan, par koi maa kisi, anonymous hai na, anonymous hai. भैया ये गलत बात है, दूसरियों की दूसरों की बीवियां छोड़ दो भैया। इट इज वेरी हर्टिंग एंड अपना ईगो नहीं है यार किसी का कि आप दूसरे की बीवी के पीछे पड़े हो तो पढ़ो, वो तो समझ में आता है कि वो नेचर ही है, बट बताना भी। हाँ हाँ मैं पढ़ा हूँ, मैं बहुत दूर। कंग्रेचुलेशन सर, 10 लाख रुपए जीते। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है, लेकिन आप के जाने से पहले हम आपको सी कंपनी का एक और गाना सुनाते हैं, कमाम बड़े।